हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फालूदा की रेसिपी, और इसे मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट मिक्स से। इंस्टेंट मिक्स से बहुत ही कम टाइम में और बिना किसी झंझट के ये फटाफट बनकर के रेडी हो जाता है, और इसमें हमें अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप इजीली इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई ओकेशन के लिए बना रहे हैं या फिर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं ड्रिंक, तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, आप इजीली घर पे ही बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंस्टेंट मिक्स लिया है, ये बादाम पिस्ता फालूदा है, और यहाँ पर मैंने गेट्स ब्रांड का ये परचेज़ किया हुआ है। इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने गेट्स ब्रांड का लिया हुआ है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कोई भी एडिड प्रिजर्वेटिव और कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्लेवर इसमें ऐड नहीं है। जैसे हम घर पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होगा। और यहाँ पर इसका जो वेट देख रहे हैं, ये 200 ग्राम का मैंने परचेस किया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है 7 ग्लास इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे स्मॉल साइज़ के। और यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं, 85 रुपीज़ में मैंने इसे परचेस किया हुआ है। यहाँ पे ईजी स्टेप्स दी हैं, बहुत इजी है इसे बनाना। मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है, तो आप इजी इसको पढ़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें कितना मिल्क लेना है, कितना पानी लेना है, और इसे कितने देर तक हमें बॉयल होने देना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको बनाना है, और ये काफ़ी इजी है। तो इसमें हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं, दूध ही लगेगा और थोड़ा सा हमें इसमें पानी लगेगा, बाकी सारा कुछ पैकेट के अंदर मिक्स होता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बॉयल होने के बाद में इसे हमें ठंडा होने देना है फ्रिज में, और उसके बाद फिर आप इसको आइसक्रीम के साथ या फिर आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं क्या क्या इसमें ऐड है। इसे मैंने सिर्फ 85 रुपीज़ में परचेस किया था, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और यहाँ कप साइज़ 150 ml दिया हुआ है, और ये जो मेरा कप है ये 240 ml का है। तो इस तरह के कप आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिससे आप एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ कोई भी चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं है तो आप अंदाजे से भी मिल्क ले सकते हैं। मिल्क का पैकेट भी आता है 500 ml का, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मिल्क को एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह का मिक्सचर दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस पैकेट को ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर जो पाउच है उसे हम बाहर निकालते हैं, और इसे आप सबसे पहले सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं और चेक करते हैं इसमें किस तरह का मिक्सचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह का कुछ ये मिक्सचर इसमें दिया हुआ है, और इसी में सारी चीज़ें ऐड हैं, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें इसमें अलग से कुछ भी कलर वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक बॉल, और इसमें मैं आधा ही मिक्सचर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पूरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसमें आधा मिक्सचर लेकर ही फालूदा बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, और आधा मैंने रख दिया है क्योंकि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम मिल्क और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पूरे पैकेट के लिए यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, 1200 ml हमें यहाँ पे मिल्क यूज़ करना है, 200 ml हमें यहाँ पे पानी यूज़ करना है पूरे पैकेट के मिक्सचर के लिए। तो हमने यहाँ पे हाफ लिया है, तो इसका हम सारा हाफ हाफ ले लेंगे, तो हाफ हम मिल्क लेंगे और उसी का हाफ हम पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कप साइज़ है 240 ml, मैं उसी के अकॉर्डिंग मिल्क और पानी ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम मिल्क डाल देंगे। यहाँ मिल्क आप कोई भी ले सकते हो, बफेलो, काऊ मिल्क, बस ज़्यादा पतला पानी मिक्स किया हुआ आपको मिल्क इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वैसा टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 कप लिया, और उसी के अकॉर्डिंग अब हम लेंगे यहाँ पे ये 2 कप मिल्क, और यहाँ पर हम 100 ml पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पानी भी हमें इसमें ऐड करना है। तो उसी कप से मैंने यहाँ पर लिया ये 100 ml पानी, और वापस मैंने 120 ml यहाँ पे मिल्क इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये टोटल हमारा 600 ml मिल्क हो गया, और 100 ml हमने इसमें पानी यूज़ किया हुआ है। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, एक स्पून की हेल्प से आप इसे अच्छे से पहले ही मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप इसे गर्म होने के लिए रखिए। तो जिससे क्या होगा, आपके लम्ब्स नहीं बनेंगे और एकदम स्मूथ और अच्छा ये
फालूदा बन करके रेडी होगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड होता है, मिल्क पाउडर भी ऐड होता है, तो इसमें जो है लम्स बन सकते हैं, गाँठें बन सकती हैं, इसीलिए आप इसको पहले ठंडे दूध में ही अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद ही आप इसे बॉयल होने के लिए रखें। तो यहाँ पे मैंने गैस में पैन गरम होने के लिए रखा हुआ है और गैस की फ्लेम को आपको हाई पे नहीं रखना है, आपको लो टू मीडियम ही रखना है ताकि ये जो मिक्सर है ये नीचे से लगे नहीं और इसका टेस्ट खराब ना हो। अब इसे हम अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे और इसे हमें चलाते हुए ही बॉयल करना है जब तक कि ये जो मिक्सर है ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए, गाढ़ा ना आ जाए, क्योंकि फालूदा जो होता है वो थोड़ा सा थिक और गाढ़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे हमें चलाते हुए ही अच्छे से बॉयल करना है और जब आप ये बॉयल करें तो ये मोटी तली वाला ही कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप बॉयल करें तो वो नीचे से जल्दी नहीं लगेगा। अब इसे बॉयल होने देंगे तो अभी आप यहाँ पे इसका कलर देख सकते हैं, इसके ऊपर अच्छे से मलाई आ गई है। इसे हमने लगभग 10 मिनट के लिए बॉयल होने दिया है। अभी इसे हम थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा पतला लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह लो मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने देते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे ये अच्छा से गाढ़ा हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये साइड से भी जो कढ़ाई है उसमें मलाई भी अच्छे से जम गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ पे मैंने इस सारे मिक्सर को एक बॉल में निकाल लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देंगे, क्योंकि जो फालूदा है वो थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो बादाम पिस्ता फालूदा है आप उसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही आया हुआ है। और इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल्क ही ऐड करना होता है। और ये देखिए कितने जल्दी बन करके रेडी हो जाता है और इसका कलर और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया सा आया है। आप इसे घर में ही इसी तरह से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फालूदा है ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर, और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा आ गया है ये ठंडा होने के बाद भी। तो इसी तरह से हमें ये फालूदा प्रिपेयर करना है और इतना थिक होने तक हमें इसे अच्छे से बॉयल करना है। अब इसे हम सर्व करने के लिए ग्लास में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के ही लिए हैं, आप यहाँ पे बड़े या छोटे ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस फालूदा को हम निकाल लेते हैं ग्लास में सर्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के ग्लास का यूज़ किया है फालूदा के लिए। अगर आपके पास स्मॉल साइज का ग्लास है तो आप उसका यूज़ करके ज़्यादा क्वांटिटी में आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर आइसक्रीम से इसे सर्व करूँगी। आपके पास जो भी आइसक्रीम अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास केसर पिस्ता आइसक्रीम अवेलेबल थी तो मैंने इसमें डाल दिया है फालूदा के साथ में, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे आइसक्रीम के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गार्निश करेंगे ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे और थोड़ा सा ये टेम्पटिंग भी लगे। तो इस तरह से जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। पिस्ता और बादाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि फालूदा भी हमने वैसे ही बनाया हुआ है, तो उसी के साथ मैं इसे सर्व करूँगी। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे इजीली बना सकते हैं घर पर ही, बहुत ही इजी मेथड है इसकी और ये गेट्स का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप इस फालूदा को घर पर ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए या फिर कोई पार्टीज हो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। आप इस फालूदा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।